मार दे, मार दे। क्या करेगा तू? भाई को मत बुला ले। या फिर आप गाली दे रहे हो? गाली अभी दूंगा। इसने हाथ कैसे छोड़ा? ये भी थी हमारे साथ, अच्छा नहीं लगता लड़कियां जब साथ में रहती है। और बाहर भेजते सबको, हाथ छोड़ रहे हैं। गाली दे रहा था सतीश जी ने, तो फिर भी स्टॉप करा, बट अब क्या करेगा इस दिन को खड़ा है यहाँ पर। बाबू भाई को गुस्सा आ रहा है, फोटो नहीं देखे। मैंने बोला कोई बात नहीं, नहीं खेत रहे, मगर इतना बड़ा भी नहीं हो कि हमारे पे जनता को छूते नहीं। देखो बाबू भाई है, बढ़िया है, हम आपके फॉलोवर है, मगर आप ना ये बोल रहा है कि वो गुस्से में, ठीक है गुस्से में तो फोटो नहीं देगा। वो बोला, मैं बोला भी नहीं, ये वो हमारे साथ है, वो ठीक है, मैंने आपको गलत नहीं बोला, मगर गुस्से का क्या मतलब होता है? वो हमारे साथ ही है भैया, अभी खाना खा रहे हैं। पुलिस की क्या, पुलिस बहुत देर से भैया वो बात कर रहे हैं आपसे, वो हमारी साइड नहीं बोला, ये गलत बोल रहा है भैया, वो हमारे साथ है, ये आपके साथ नहीं है, वो तो बंदा है दुकान वाला। तो किसने मना कर आपको? मैंने मना ली, इसने मना ली, ये तो सीधे कमेंट कर रहा है भैया, सीधे कमेंट कर रहा है। अब गाली के लोच कर रहे हो, गाली नहीं दी आपको, देखो बुरा मना ना, गाली नहीं दी मैं चिल हूं। आपस में यार एक ही रहो यार भाई, हमारे जैसों को भी अच्छा लगे, हम यहां पे आए यार, हम भी देखते हैं वीडियो आपकी। आराम से आराम से जाओ यार, बैग जो बैग कौन सा बना लो, अबे रुक, पुलिस बुला, यार मैं अपने ग्राहक को तू क्यों खराब कर रहा है? अगर तू मेरी गलती नहीं है ना, हाथ छोड़ा कैसे गाली दोगे हम कुछ नहीं, नहीं जान रखियो मैंने गाली दे दी है, मैंने गाली दे दी है। अरे यार कोई बात हो रही है, अरे इस तरह कैसे करेगा ना, तो गाली दे रहा ऊपर से हीरो बन रहा, इसने हाथ कैसे छोड़ा? ना पुलिस बुलाई मैंने अभी, चल यार गाड़ी उठो। अरे नहीं पुलिस बुलाऊंगा मैं भाई, पेमेंट कर दो। बाउंसर बन रहा हीरो, हाथ चला रहा, ऐसे हीरो बन रहा क्या? ऐसे बाउंसर रखने से क्या फायदा? सीधे हाथ छोड़ रहा है भाई, हाथ छोड़ रहा है एक बंदा, ऐसे कैसे हाथ छोड़ रहा है ये? कैसे आप लोग? बढ़िया बढ़िया, आपकी गाड़ी पे चढ़ ली भाई जी, आराम से आराम से, जितने भी अभी बाहर आगे से चालू है काम के लिए, वो वाली बात है, गाड़ी के पास आ जाओ चाबी कहाँ है? लेक्सी भैया फिर आप गाली दे रहे हो? गाली अभी दूंगा, इसने हाथ कैसे छोड़ा? रुक जा, वीडियो बना, वीडियो बना, पहले ऐसे बात मत करो, हाथ कैसे छोड़ा इसने? जाओ भैया, चला गया। अरे ओए हाथ कैसे छोड़ा? मार दे क्या करेगा तू? मत बुला ले, मैं पुलिस बुलाऊंगा, बुला ले, ये वो ही थी ये मेरी गाड़ी के, हाथ क्यों चढ़ाया? हम गाड़ी चलाएंगे क्या? आप समझो वो नशे में, मेरा पति क्या, मुझे पता है वो नशे में नहीं है, लेकिन इन्होंने पहले ही गलत बोला, इसलिए वीडियो में क्या हाल चाल आई हो, आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हूँ अभी ग्वालियर के डीम मॉल में, बाकी आई होप आप लोगों को इधर के नज़ारे दिखाई देते हैं। आज ग्वालियर के वाले मॉल तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, बट चेक करो टाइगर भाई भी इधर आ चुके हैं अपने, कोई टाइगर भाई तो है नहीं अभी, टाइगर भाई जयपुर हैं, टाइगर भाई भी गए हुए जयपुर भाई के मीटअप में,
कि आप लोग मेरे को देखो। हाँ जी, इधर देखो ये क्या सीन है। हाँ भाई, इसके ये पास से दिखाने का मतलब इसको देखने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ जंगल है तो हम हैं। ये मतलब कुछ इस प्रकार है, आप लोग चेक कर सकते हो। ये कुछ उसके बारे में है, नेक्स्ट पेड़ पौधों के बारे में बट अपने को इतना नॉलेज। ये पेड़ लगाओ, हरियाली लाओ, ये चीज़ चेक करो ये। बट सिग्नेचर है, हर किसी पेज पे नाम नहीं है बट अपन को अभी इतना मालूम ही नहीं है क्योंकि हर किसी पेज पे नाम तो हो नहीं सकता। और अभी अपन चल रहे हैं, चलते देखते क्या सीन है, निकलने का किधर से ऊपर जाने का। अभी अपन पूरी सामने से ऊपर जाने का है, वहाँ से मैं इधर से देख रहा हूँ वो उधर, वहाँ से जाने का है। बाकी चलते हैं देखते हैं कुछ खास है कि नहीं है, क्योंकि मुझे तो भी लग रहा है इतना खास रास्ता इतना नहीं है यार। बाकी हम चेक करते हैं ऊपर जाके, तुम्हें हर जगह मिलेगा ये चीज़, हर जगह मिलेगी, हर जगह मिल जाएंगे ये लोग लूटने वाले। अभी अपनी डेट की हो चुकी ऐसी जब तैसी चुनचुन सर सीन अगले होने वाला पब्लिक है, पब्लिक ही नहीं है वाले। ये चीज़ इतना खास नहीं है ना, इतना वो नहीं है जितना मतलब होना चाहिए। क्राउड नहीं है भाई, यार क्राउड क्योंकि पता नहीं क्यों पर ग्वालियर के टीवी मॉल में क्राउड है ही नहीं। अभी क्यों नहीं है क्राउड, क्या मैटर है, चक्कर है पता नहीं दोस्त। ऊपर लेके चलते हैं ऊपर, ये बाहर का क्राउड है। भाई लोग भीड़ वाली नहीं है इधर मॉल में आए थे, भीड़ भाड़ी नहीं है, पब्लिक ही नहीं है, क्या करें। जिमी जी ऐसे कुछ है, क्रॉक्स हैं, इधर SBI कार्ड है, इधर ये मैडम है, अभी पता नहीं कौन कौन है, सारे लोग हैं पर कोई अपने काम का कोई भी नहीं है। अपने काम का कोई है ही नहीं भाई, बाकी है तो बहुत सारे लोग पर अपने काम का कोई है ही नहीं। तो बस आपको ना चुका है थर्ड पे सेकेंड फ्लोर पे आ चुका है। बट सेकेंड फ्लोर पे आते आते ना मुझे लग रहा मॉल ख़त्म हो गया भाई। तो ये नीचे का नज़ारा, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे चिपकाए जा रहे हैं, कुछ चीटे वगैरह कुछ लगाई जा रही पेड़ों पे, पेड़ के लिए कुछ है प्लांट वगैरह लगाओ। देखो दोस्तों तुम लोग भी लगाओ, हरियाली बचाओ, अभी करो सारे सिस्टम करो, बाकी कोई इशू नहीं है। बाकी तो नीचे देखो बहुत प्यारा सा क्राउड है, मैडम भी बड़ी प्यारी लग रही है। बाकी तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा क्योंकि मेरे इतना खास नहीं है, मेरे को इतना खास लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों बिल्कुल भी नहीं जमा यार मेरे को। जैसा बोला गया था ना वैसा है ही नहीं भाई, है ही नहीं भाई। ये देख लो सारे लड़की का काम जाम है, बाकी अपना तो कुछ है ही नहीं, अभी अपने मैटर पे तो कुछ है ही नहीं था भाई चीज। अभी अपनी बस कोई लाइन वाइन तो कुछ है ही नहीं यार भाई, बिल्कुल भी नहीं है। मैटर भी समझ में नहीं आ रहा अपने को, मतलब वो बोल रहा है या बोल रहा है क्या बोल रहा है ये समझ में तो आता नहीं है, क्योंकि अपने इतने पढ़े लिखे तो ही नहीं, अपन को समझता नहीं। जितना आता उतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे बहुत जल्दी से जल्दी 100 के सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो कंप्लीट कराओ, ऐसी नई नई वीडियो तुम्हारे लिए लेके आते रहेंगे। आई होप आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा हमारी वीडियो में। आ चुके टॉप फ्लोर पे,
उसको भी कवर करेंगे बाद में, पहले अपने घर से राउंड मारते हैं, पूरा राउंड मार के फिर निकल जाएंगे, गोल हो जाएंगे यहाँ से भोपाल के लिए। और भोपाल अपने बहुत अर्जेंट भी सोचना है, भोपाल में अपना ना बहुत कोई बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, तुम लोगों को भी पता है बाकी रख तो ये तो भाई ये हर मॉल में होता है, ये ना होगा ना मॉल में तो कुछ होने वाला नहीं है, तो हर मॉल में ही होते ही है, उल्टे सीधे काम नहीं मिलते हैं, ये चेक करो। अरे अगर आपकी गेम ऐसा कुछ हो ना हो, मॉल में गेम जरूर होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे तोड़ताड़ देंगे तुम्हारे सब बहुत जब तो ख़त्म होगा शुरू से आते ही, वो जल्दी स्टार्ट में ख़त्म होगा, ख़त्म होगा समझ नहीं आया स्टार्ट हुआ कब ख़त्म कब हुआ ये। ठीक है मतलब ज़्यादा वो नहीं है, हाई लेवल का नहीं है बट छोटा ही सा है, अच्छा बट अपन ख़राब नहीं बताएंगे, अपने इसमें आता है ये अपने जिले में आता है, अपनी ख़राब नहीं बताएंगे फिर उसको, अभी सर ये रेस्टोरेंट एरिया है अभी खाओ पियो इन्जॉय करो। ब्रिगर ये भाई इनको तो जानते ही होंगे तुम, मस्ती करते लोगों के साथ बात की आई होप तो चलना चाहिए क्या राउंड मारना चाहिए था, राउंड मार के आते हैं फिर तुम लोगों को बताएंगे। क्योंकि भाई अपनी तो औकात दे रही इधर खाने की, अपन खा नहीं सकते, अपन फिर वीडियो बना सकते हैं, आगे बनवाया कोई इतने पर वीडियो बनाने बस वीडियो बना के निकल जाएंगे सर। डोमिनोस 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 वाले ने ये बर्गर किंग, बर्गर किंग का मतलब क्या होता है भाई जरा हमको भी बताओ, किंग मिंग का मतलब वो किंग, किंग एक किंग माने गुंडा भी होता है राजा भी होता है, ये किंग है यहाँ के, बाकी उनको भी पता है किंग इन लोगों ने क्यों लिखा है, अभी बर्गर लिख सकते हैं के एफ सी भी है और पिज़्ज़ा हट भी है, के एफ सी ये रहा पिज़्ज़ा हट के एफ सी, बाकी तो ठीक है छोटा मोटा है मस्त है, क्योंकि अपन बुराई नहीं कर सकते मॉल की, क्योंकि अपने ही अपने एरिया में ये मॉल बना हुआ तो अपन इसकी बुराई तो बिल्कुल नहीं कर सकते भाई, तो बुराई करेंगे ना तो लोग अपने को दबोच देंगे तुरंत, तुरंत ही दबोच दिया जाएगा सीढ़िया तो हर मत क्लास सीढ़ियों के पास चलते हैं, अपनी सीढ़ियों को घूमता रहेंगे निकल तो वहाँ से भी सकते थे पर वहाँ पर मज़ा ही नहीं आया, पसंद ही नहीं आ रही है मॉल, क्योंकि मॉल कम मेरे को है ना, कार्टून कार्टून ज़्यादा मज़ा आ रही है मेरे को, तो मेरे को अच्छी नहीं लग रही यार, मुझे देखो भाई बच्ची को सता रही है अभी एक बंदा, मज़े लेते हैं इसके। हाँ भैया कर रहा है बच्ची के साथ में स्टैंड, मुझे वो चेक करो चलो वो तो होगा तुम्हारा ये तो बड़ा डर लग रही है इस पर तो पहली बार में भाई, तो अगर भाई इसमें भाई सच में डर लग गया मेरे को पहली बार कहीं सीढ़ियों पर डर लगा तो भाई सीढ़ी एकदम चलनी है, क्योंकि उनको चलेगा ना ऊँचा की जाएंगे भाई साहब उनको फटका फट के निकल लो यार भाई साहब लेकिन चिड़िया की पार्टी आ जाओ बेटे निकल लो बेटा यहाँ से बड़े लोग मारते भी बहुत अच्छा होंगे, बहुत डर लग रही है चढ़ने में तो सही साइड है और उतरने में खतरनाक लग रही है, अरे पहली बार डर लग रही है मेरे को सीढ़ियों पर, ये सीढ़ियों पर तो मुझे पहली बार डर लग रही है ना, बाप रे बाप भाई साहब देख के ही निकलना पड़ गया और मेरे पक्के डोरा डोरा दिए भाई साहब क्या ही बताऊँ, क्योंकि पहली बार किसी मॉल में इतना डर मतलब इतना वो फील कर रहा हूँ यार, लगता ही नहीं है इतना डर, पता नहीं सीढ़ियों को क्यों डर लग रही है मेरे को और कैसा थोड़ा सा महसूस नहीं हो रहा, बहुत खराब सा महसूस हो रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों पसंद ही नहीं आ रही यार मेरे को, मज़े ही नहीं आ रही यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रही, ठीक है यार बिल्कुल भी मज़ा ही नहीं आया मेरे को, मज़ा नहीं आया इसको, आया हो लाइक कमेंट कर दो ना भाई, भाई मुझे तो यहाँ का मॉल पसंद नहीं आया, पसंद क्यों नहीं आया क्योंकि आप तो छोटा सा बना रखा
छोटा सा इसलिए है वो कुछ है ही नहीं यार उसमें दुकान है वो भी खाली पड़ी हुई है। बाकी दुकान रेलवे स्टेशन जाके आप लोगों से बात करते हो भाई साहब क्या गर्मी फील हो भाई जो गर्मी फील हुई है ना क्या ही बताऊँ यार कितनी गर्मी फील हुई है जैसा लगा ठीक है एक चीज़ें हैं ठीक ठाक हैं सही साइड है बाकी जब लोग बैठने की जगह हम लोग बैठ सकते हैं बंदा वेट कर सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं बाकी इंजॉय दारू वारू नहीं रहे मतलब गलत मत समझा करो कि दारू वारू कुछ नहीं करेगा कोई आप तो सिर्फ वेट कर सकते हैं ओनली वेट और रेस्ट और कुछ नहीं अभी चलते अपने डेस्टिनेशन सामने बुरा रेलवे स्टेशन यहीं से दिख रही होगा भाई तुम लोगों को चलते चल के अगर मिलते हैं चलो मिलते हैं आओ मिलाप कराते हैं हमारा ट्रेन से ट्रेन से मिलाप कराएंगे ट्रेन से ये अपने को जानना तो बहुत दूर है मॉल में अपन को भाई दो पैसे का मज़ा नहीं आया मॉल के अंदर क्योंकि इतना बेकार मॉल मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा देखा क्या इसमें नहीं देखा भाई इतना बेकार मॉल है मैं क्या ही बताऊँ हद हो हद तो गाइस आ चुके हैं अपन जी रेलवे स्टेशन लेते टिकट विकेट फिर चलते हैं अंदर फिर वेस्टर्न ट्रेन में जब तक तो मज़ा आएगा ही नहीं मज़ा तो तभी आएगा जब ट्रेन में बैठेंगे तो मज़ा आएगा साहब ये होता रेलवे स्टेशन ग्वालियर का हाल उसके बाप का है रेलवे स्टेशन पूरा उसके बाप का रेलवे स्टेशन है मरगा मरगा का छरा अच्छा अपन आ चुका प्लेटफार्म पर लेके हम लोग प्लेटफार्म पर अपनी ट्रेन आने वाली इसी एक नंबर पर चलाएगी भोपाल मिलते हैं आप लोगों को भोपाल के लिए भोपाल ट्रेन आने में भी कम से कम तो नहीं अपनी नई 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 काम नहीं होता रही भाई सब इतना बेकार लग रही है इतना बेकार का भी खतरा ट्रेन आने में पूरा पूरा एक घंटा लेट है एक घंटे लेट होने की वजह से पूरा ही प्लेटफार्म पर टहलना पड़ रहा है टहल से एकदम मुझे लग रहा है कि हाँ तो जा ही नहीं रहा है लेडियो के अलावा लेडीज में भरी पड़ी हुई है एयर मचा रखा भाई इन लोगों ने एयर एयर मचा रखा मुझे नहीं लगता क्या जा रहे हैं लेडीज की क्यों भरी पड़ी हुई है भाई कोई काम नहीं गाड़ी तो आ रही है पर वो जाएगी नहीं उधर ये भोपाल नहीं जाएगी भोपाल क्या करें आप चलते हैं खेलना हाली कर टाइम पास चलिए डिब्बा तो आएगा अपना घर बहुत दूर